नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका। दोस्तों, आज हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर के बारे में पढ़ेंगे, जिससे रिलेटेड एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। आज हम बात करेंगे एक एसआईटिस कंडीशन में पैरासिंथेसिस प्रोसीजर करते हैं उसके बारे में। पैरासिंथेसिस क्या होता है दोस्तों? एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें निडल और कैथेटर इंसर्ट किया जाता है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, जिससे जो एक्सेसिव फ्लूड है जो पेरिटोनियल कैविटी में इकट्ठा हो गया उसको रिमूव करते हैं। साथ में उसको हम जो फ्लूड है उसको हम एसआईटिस बोलते हैं। फिर बात करते हैं इंडिकेशन की। तो इंडिकेशन में दोस्तों हम दो तरीके का इंडिकेशंस रहता है पैरासिंथेसिस करने का, एक तो रिलीविंग सिम्टम और दूसरा डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए रहते हैं। बात करते हैं रिलीविंग सिम्टम की। तो रिलीविंग सिम्टम इन केस लार्ज एसाइटिस कोज पेन, ब्रीथिंग डिफिकल्टी और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट को रिलीव करने के लिए ऐसा प्रोसीजर करते हैं पैरासिंथेसिस। कोई भी जैसे एब्डोमिनल पेन हो रहा है या ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है एसाइटिस, अगर सीवियर एसाइटिस हो या फिर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो, तो हम पैरासिंथेसिस करते हैं कुछ इसमें। इस प्रकार पेशेंट को सेमी रिकमेंडेड पोजीशन में रखते हैं और साथ में ये निडल यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। जो भी ये फ्लूड है वो एक ड्रेन होता हुआ सीधा कंटेनर में हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर डायग्नोस्टिक पर्पज़ की बात करें तो डायग्नोस करने के लिए इवेल्युएट कोज ऑफ एसाइटिस का पता लगाने के लिए, साथ साथ में लीवर सिरोसिस का पता लगाने के लिए, कोई भी इन्फेक्शन हो गया हो पेरिटोनियम कैविटी में उसका पता लगाने के लिए, कोई मेलिग्नेंसी या कैंसर हो गया तो उसका भी पता हम एसआईटिस के फ्लूड से पता लगा सकते हैं। बात करते हैं पोजीशन ड्यूरिंग प्रोसीजर। तो पोजीशन ड्यूरिंग प्रोसीजर हम सेमी रिकमेंडेड पोजिशन और सीटिंग पोजिशन रखते हैं, ये आइडियल पोजिशन रहती है। बात करें साइट ऑफ सेलेक्शन की, तो साइट हम कौन सी सेलेक्ट करते हैं? तो लोअर एब्डोमन इज बेस्ट साइट फॉर पैरासिंथेसिस। फिर बात करते हैं पोस्ट प्रोसीजर मॉनिटरिंग की। तो पोस्ट प्रोसीजर हमें मॉनिटरिंग के लिए सबसे पहले मॉनिटर वाइटल साइन करना चाहिए। मॉनिटर वाइटल साइन में हमें टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन के साथ साथ बीपी भी हमें मॉनिटर करते रहना चाहिए। हाइपोटेंशन के लिए स्पेशली मॉनिटर करना चाहिए। फिर बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन को लेकर। तो कॉम्प्लिकेशंस के लिए भी हमें असेसमेंट करना चाहिए, समय समय पर चेक करना चाहिए। जैसे कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, जैसे ब्लीडिंग हो सकती है, साथ साथ में इन्फेक्शन हो सकता है, पंक्चर जो सराउंडिंग ऑर्गन है वहाँ पे भी पंक्चर्स देखने को मिल सकता है, जैसे बोवल है या ब्लैडर है वहाँ पे भी हमें जब प्रोसीजर करते हैं तब पंक्चर ब्लैडर में या कभी कभी बोवल में भी हो सकता है, उसके लिए भी हमें देखते रहना चाहिए। फिर बात करते हैं साइट केयर की। तो साइट केयर में हमें इंस्पेक्ट करना है पंक्चर साइट को, कहीं अगर इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हो गया या कंटिन्यूस लीकेज तो नहीं है एसआईटिस फ्लूड का, या फिर वहाँ पे पंक्चर की साइट की जगह ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। अगर कुछ हो रहा या साइट एकदम सही है तो हम उस पर अप्लाई करेंगे स्टेराइल ड्रेसिंग एंड कीप इट क्लीन। उसको हम क्लीन रखेंगे और स्टेराइल ड्रेसिंग उस पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है दोस्तों। ये कंप्लीट था पैरासिंथेसिस के बारे में। पैरासिंथेसिस से रिलेटेड काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक बार आप इस इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी देख ले। तो जो ये एसाइटिस फ्लूड है कुछ इस प्रकार से रहता है एब्डोमेन कैविटी में, और निडल इंसर्ट करते हैं। निडल इंसर्ट करने के बाद में ये ट्यूब के थ्रू हम किसी बीकर में या ड्रेनेज जो ड्रेन होता है उसमें हम कलेक्ट करते हैं। फिर उसको डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए भी पैरासिंथेसिस करते हैं और थेरेप्यूटिक पर्पज़ के लिए भी हम पैरासिंथेसिस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।